हेलो दोस्तों, कैलीग्राफी क्रिएटर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गणतंत्र दिवस पर भाषण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना गणतंत्र अपना संविधान है, भारतीय होना हमारी शान है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम आपका नाम है तथा मैं कक्षा आपकी कक्षा की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल 26 जनवरी को हमारे भारत देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1950 को हमारे भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली तथा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। गणतंत्र का अर्थ है देश के सभी लोगों के लिए एक समान व्यवस्था और कानून स्थापित करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। हमारे संविधान को पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि पिछले 73 सालों में हमारे भारत देश ने काफ़ी विकास किया है और भारत एक ताकतवर देशों में गिना जाता है। विकास के साथ साथ कई समस्याएं भी आई हैं, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता आदि। आइए हम सभी मिलकर प्रण लें कि हम इन सभी समस्याओं का समाधान खोजकर अपने देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।